हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और शायद यही कुछ कहने वाले हैं बिग बॉस फेम पुनीश शर्मा इज विद अस टुडे। पुनीश, बहुत आपका स्वागत है और आपका नया वीडियो सामने आ रहा है, वो भी कुछ यही कह रहा है शायद कि आप हारे नहीं हो। यस मैम, मैं हारता नहीं हूँ इतनी जल्दी, और कोशिश करता रहता हूँ कि आगे बढ़ता रहूँ, और जब ऐसा लगता है कि हाँ बस अब लगता है हार जाऊंगा, तब मैं डबल स्पीड से डबल एक्सेलेटर दबा के भगा भाग जाता। वाह, क्या बात है। तो ये 2.0 जो है, पुनिश 2.0, इसकी रफ्तार कुछ ज्यादा तेज है क्या है? मैम इसकी रफ्तार x2 है, और इसमें इस वीडियो में आप मेरी डिफरेंट लुक भी देखेंगे, तो बहुत बोर हो गए हैं लोग सेम लुक देख देख के, तो मैंने सोचा इस बारी कुछ नया ट्राई किया जाए। और वैसे भी अगर कमबैक है तो मैम किसी नए तरीके से ही करना चाहिए, ऑडियंस को बोर करके तो कुछ फायदा नहीं होगा, तो इसलिए आई थॉट एक नई लुक के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाए। एंड बहुत दोनों लुक्स है, मेरी पुरानी वाली भी लुक है, नई वाली भी लुक है वीडियो में, सो एक कंपेरिजन भी हो जाएगा अपना खुद से ही। राइट। मेरा और कंपटीशन जैसे, कुछ और है नहीं, मैं खुद ही हूँ। अच्छा, और आपका ये प्रोडक्शन हाउस भी आपका खुद का है और नए वीडियोस आप, मतलब ये पहला वीडियो है, और भी बहुत कुछ सामने आने का इरादा है, तो क्या प्लान्स है आगे के आपके? मैम ये छोटा सा एक एफर्ट है मेरा अपने लिए, सबसे पहले खुद के लिए, क्योंकि आजकल वो सेल्फ लव बड़ा जरूरी है, कोई आपके लिए कुछ नहीं करता, आपको खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। तो मैंने एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस खोला है जो उम्मीद करता हूँ बड़ा बन जाएगा किसी दिन, एंड इसका ये पहला म्यूजिक वीडियो है। इसके बाद हम इसमें बहुत सारे एंटरटेनमेंट क्लिप्स बनाएंगे और शॉर्ट फिल्म्स बनाएंगे, एंड कोशिश करेंगे उन लोगों को काम देने की जो टैलेंटेड हैं पर जिनके पास काम नहीं है, जिनके पास ज्यादा अप्रोच नहीं है, तो ये ऐसी मेरा एक छोटी सी कोशिश रहेगी। मुझे बस यही, आपने जो कहा है उससे यही कहावत याद आ गई कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। कुछ एग्जैक्टली मैम, एक्सपीरियंसेस जो आपने कुछ शेयर भी किए थे कि कोविड के बाद जब दुनिया भी बदल गई, आपकी कुछ लाइफ भी थोड़ी सी चेंज हो गई, बहुत कुछ बदला है बाद में, और आपने फिल्म इंडस्ट्री के बारे में भी आपके एक्सपीरियंस कुछ बताए थे, क्या अभी शेयर करना चाहोगे? एक हिम्मत चाहिए होती है खुद से, खुद के बल पे खड़े रहने की, तो अभी क्या बताना चाहोगे? मैम हिम्मत तो खैर मेरे खून में ही है, हम सारी पूरी फैमिली बड़ी हिम्मती है। हमें हराना इतना आसान नहीं है, तो हाँ एक्सपीरियंसेस थोड़े खराब रहे पोस्ट कोविड इंडस्ट्री को लेके। उसके पहले बहुत सब कुछ ठीक था, बिग बॉस मिला, बहुत फेम मिला, ओवरनाइट स्टार बना दिया मुझे, और फिर वैसे ही मैम वो नया बिग बॉस आया तो ग्राफ डाउन जाने लगा, नए वाले कंटेस्टेंट ज्यादा फेमस होने लगे, तो काम पे भी वैसे ही इफेक्ट पड़ने लग गया। बिग बॉस के बाद मैंने एक टीवी सीरियल किया, उसके बाद वेब सीरीज की, उसके बाद म्यूजिक वीडियो किया, पर कोविड के बाद ऑब्वियसली इंडस्ट्री तो बीच में बंद ही हो गई थी कोविड में, तो जब वो वापस खुली तो जो बहुत पॉपुलर और बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स थे उनको तो काम मिल गया, पर जो बाकी कैटेगरी थी उनको काम नहीं मिला। एंड मिला भी तो प्रोड्यूसर्स की शर्तों पे मिला, आधे पैसों में ऑफर्स आने लगी, और अपनी मर्जी से काम नहीं मिलता था, उनकी मर्जी से काम करना पड़ता था, उनकी शर्तों पे काम करना पड़ता था, जो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं था। मतलब क्या तो था, मैं पैसे मैम कम थे या क्या था, या रोल्स जैसे चाहिए थे वैसे नहीं थे? क्रिएटिव प्रॉब्लम था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, या और कुछ अलग प्रॉब्लम्स थे मैम क्या? बेवकूफ बेवकूफ बना रहे थे मैम कई लोग, कई प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं ही नहीं पर वो अपने आप को प्रोड्यूसर बताते हैं, और सिर्फ मजे लेने के लिए और लोगों का टाइम वेस्ट करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही कुछ प्रोड्यूसर्स का मैं भी शिकार हुआ, मैंने एक फिल्म साइन करी पोस्ट कोविड, और उस फिल्म की 6 महीने तक रिहर्सल करता रहा, 6 महीने अरे तक कोई और काम उन्होंने मुझे लेने नहीं दिया, 6 महीने बाद वो फिल्म स्क्रैप हो गई, तो बाप, 6 महीने कोई तो ऐसे आप ही चले गए, नहीं अलग काम भी नहीं कर पाए तब? कर पाया क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट था, नहीं कर सकता था, और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं ये सब बायस्ड हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ प्रोड्यूसर को फेवर करने वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आर्टिस्ट को फेवर करने वाला कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं होता है। आप एज एन आर्टिस्ट उनको चैलेंज भी नहीं कर सकते किसी चीज के लिए, इतने वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये। और फिर मैम उसी दौरान सीरियल ऑफर हुआ, तो जब मैं सीरियल के सेट पे पहुंचा शूटिंग करने तो मेरा कैरेक्टर कोई और शूट कर रहा था, अरे बाप, मैंने बोला यार ये क्या हुआ, तो थोड़ा और मैं डिमोरलाइज हो गया,
उसके बाद एक और टीवी सीरियल, काम मिलते रहे, काम की कमी नहीं आई। उसके बाद एक और टीवी सीरियल मिला, मल्टीकास्ट था, उसमें 7 कैरेक्टर्स थे, 15 दिन 20 दिन सबको रिहर्सल कराया, 7 के 7 कैरेक्टर्स बदल दिए। अरे बाप, तो ऐसे एकदम मेरे साथ ये सीरीज ऑफ इवेंट्स हो गया, तो देन आई थॉट यार नहीं, ये ऐसे नहीं होने वाला। तो मैं हॉलिडे के लिए गोवा गया हुआ था, वहां मुझे एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर मिले, तो उन्होंने मुझे बोला तू क्या कर रहा है आजकल। आई सेड आई एम लुकिंग फॉर वर्क एंड कुछ अच्छा काम अपनी मर्जी का करना चाहता हूँ। सो देन ही एक्सप्लेन्ड, कह रहे यार अगर आपको कुछ करना है ना तो खुद के लिए करना पड़ेगा, कोई आपको काम देगा नहीं, आपको खुद लेना पड़ेगा, आप अपने आप को काम दो, अपने पैसे अपने पे लगाओ, अपनी पसंद की स्क्रिप्ट चूज करो, अपनी पसंद का डायरेक्टर चूज करो, अपनी पसंद का डीओपी चूज करो, अच्छे से अच्छा कैमरा लो और शूट करो, अपने लिए अपने आप को दिखाओ। तो वो आइडिया मुझे बहुत अपील किया। देन आई थॉट यार ये बंदा बात तो ठीक कह रहा है। तो मैम वहां लेकिन से एक ये प्रोडक्शन हाउस का डिसीजन के आइडिया आ लिए, गया। या बहुत हिम्मत भी चाहिए होती है ऐसे डिसीजंस लेने के लिए, तो ये मैम हिम्मत मैं कहाँ से बड़ा क्विक आती डिसीजन मेक करूँ, मैं बहुत जल्दी चीजें डिसीजन ले लेता हूँ, ये मेरे अंदर शुरू से ही है। 1 महीना पहले सोचा था मैंने ऐसा करूंगा, और 1 महीने में देखो म्यूजिक वीडियो भी तैयार है मेरा, अभी 17th को रिलीज भी हो जाएगा। फास्ट एक्शन मैम। मैम पोस्ट कोविड मैं तो इतना डर गया हूँ, लोग 35 साल के लोग भी भगवान को प्यारे हो रहे हैं, एंड यू नो मेरे खुद के कितने क्लोज रिलेटिव चले गए कोविड में। तो मैम समय ज्यादा है नहीं अब लोगों के पास, तो जितना बचा है उसको मैं ऐसे वेस्ट नहीं जाने दूंगा। और बैक टू योर म्यूजिक वीडियो, तो ये टीजर हमने देखा जो सामने आया, ऑफ कोर्स आपका लुक भी देखा, और ये क्या कहानी है? ये भी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस से वो कहानी सामने आने वाली है, या वो अलग कहानी है, क्या है? मैम ये कहानी वही है कि एक आर्टिस्ट जब आउट ऑफ वर्क होता है तो वो किस दौर से गुजरता है और किस डिप्रेशन से वो गुजरता है, और उसको ऐसा लगता है कि वो सब कुछ हार चुका है, उसका फेम डाउन जा रहा है, उसको काम नहीं मिल रहा, उसके उसको कमाई नहीं हो रही कहीं से, और सब कुछ जाने लगता है, जिस घर में वो रह रहा होता है उसको सरेंडर करना पड़ जाता है उसको, और लोग उसकी जिंदगी से जाने लगते हैं क्योंकि वो तो डिप्रेशन में होता है, हरकतें खराब होती हैं, और उसके बाद एंड में यही होता है कि एक आर्टिस्ट अंदर से हमेशा आर्टिस्ट ही रहता है, कभी नहीं मरता। वाह, तो ये इस वीडियो के थ्रू मैं दिखाना चाहता हूँ लोगों को कि अभी मैं हारा नहीं हूँ, कोई बात नहीं, इंडस्ट्री आई एम बैक। वाह, बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज है और ये सामने आने ही चाहिए। आई एम श्योर ये म्यूजिक वीडियो तो बहुत सक्सेसफुल होगा ही। और ऑफ कोर्स बैक टू योर फेवरेट शो अगेन, बिग बॉस। बिग बॉस OTT 2 अभी अब आपने देखा ही होगा, बहुत सारे चर्चे हो रहे थे, अभी टॉप यस फाइव जो मैम, सामने आए हैं। कौन आपके फेवरेट थे, क्या लगा आपको, क्यों कौन ज्यादा पसंद आया? मैम मुझे पूजा भट्ट मुझे बहुत पसंद आई, उनका वो जो एक बेबाक एटीट्यूड है, और जब जैसे वो बोलती हैं तो सब सुनते हैं, हाँ, ये विनर कैटेगरी के ही वो होते हैं, साइंस होते हैं, और कैसे अपनी बातों को बिल्कुल सामने रख के बिना डरे बोलती हैं, कैसे अपनी अल्कोहल एडिक्शन को सबके सामने रख देती हैं और बताती हैं कि हाँ मैं इस दौर से गुजरी हूँ और अब मैं यहाँ से इससे आउट हूँ। इट टेक्स अ लॉट, आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हो, आपका एक नाम है, तो आप हर कोई ये बात नहीं जानता, पर आप आउट इन दी ओपन आके बता रहे हो कि यार देखो जब मैं ऐसा कर सकती हूँ तो और लोग भी चीजों से दूर हट सकते हैं और अच्छी चीजों को पा सकते हैं। तो शी इज आई थिंक शी इज वंडरफुल, वो बहुत टैलेंटेड लेडी है। एज एन एक्ट्रेस भी वो आपकी फेवरेट रह चुकी थी, मतलब आपको उनके गाने या फिल्में भी पसंद थे? वो डेफिनेटली वो मैंने देखी ही थी उस टाइम, तो वो सबकी फेवरेट फिल्म थी मैम, कौन और सी पर फिल्म, आवाज कैसी? हाँ मैम वो उनकी इतनी पुरानी फिल्म थी वो, इसमें मैं तो बच्चा ही था तब, बहुत छोटा, सड़क? तो हाँ पर देखी हाँ ओके, है मैंने उनकी मूवीज, देखी है मैंने उनकी, अच्छा ओके। ऐसी बात और नहीं है। अभी तो ऐसा बोला जा रहा है कि एलविश और अभिषेक में बहुत ज्यादा टक्कर है, कांटे की टक्कर है, ऐसे बोला जा रहा है। आपको कैसा लगा, उनका प्ले कैसा लगा? मैम देखो बहुत अच्छे प्लेयर हैं दोनों के दोनों, नो डाउट। तो एज अ कॉन्टेस्टेंट, आप ऑफकोर्स आप बिग बॉस के बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है आपको, तो आपका कहना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये भी कुछ हो सकता है शायद। मैम होगा कुछ तो डिफरेंट होगा ना। और मनीषा रानी भी आपको पसंद आई थी, उसका अरे आई प्ले? लव
मनीषा रानी मुझे बहुत पसंद है, वो उनका वो एंटरटेनमेंट की दुकान है मैम, वो भर भर के जी एंटरटेनमेंट है उनका, और जिस तरीके से वो फ्लर्ट करती हैं और चीजें करती हैं वो बड़ा एंटरटेनिंग है, इट इज नॉट, वो चीप नहीं लगता, वो एंटरटेनिंग लगता है या मुझे, मुझे वो बड़ी पसंद है। उसके साथ और एक म्यूजिक कैसे वीडियो मतलब का भी सोच मैम, लो फिर। जो फुटेज खानी आती है ना मनीषा को, वो तो हाँ सुपर्ब है, या उसको सब, बिल्कुल हाँ वो अपने आप को दिखा देती है कि हाँ देखो मैं हूं। जी, मनीषा रानी के साथ अगर आगे आप म्यूजिक वीडियो करना चाहेंगे, उनका डांस भी अच्छा है। मैम एक्चुअली उनको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं उन लोगों के साथ जरूर काम करना चाहूंगा जिनको काम नहीं मिलता। मनीषा रानी को तो काम मिल ही जाएगा मैम, आज नहीं तो कल, वो तो इतनी फेमस हो ही गई हैं और बिहार की क्वीन है वो, तो उनके साथ तो बड़े बड़े आर्टिस्ट काम करना चाहेंगे। तो मैं मैम ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहूंगा जिनको मुश्किल से काम मिल रहा है पर टैलेंट है, वाह और जो ज्यादा पॉपुलर नहीं है, तो मैम उन ऐसे लोगों के साथ मैं जरूर काम करना चाहूंगा। वाह, ये बहुत मतलब बहुत अच्छे विचार है आपके कि आप नए टैलेंट को भी मतलब अपॉर्चुनिटी देना चाहते हो। एंड ऑफ मैम बड़ा कोर्स बुरा लगता है जब अपने अपने शहरों से आदमी बॉम्बे आके फेलियर बन के वापस जाता है, तब यहाँ पे सब आके बोलते हैं क्या हुआ, हीरो बनने गया था फेल हो गया, हीरोइन बनने गई थी फेल हो गई, तो वो एक बड़ा ना डिप्रेशन में चला जाता है इंसान। तो ये अगर मैं एक दो लोगों का भी ये कम कर पाऊं तो मैम क्या दिक्कत है। आप डिप्रेशन के बारे में जो इतना कुछ बोल रहे हो और बहुत मतलब सीरियसली बोल रहे हो, आई एम नॉट नॉट एज अ जस्ट इंस्टेंस, आप भी कहीं उस फेज से गुजर चुके थे? नहीं मैम, मैम मैंने अपने आप को ना बड़े अच्छी तरीके से ट्रेन किया हुआ है, मैंने अपने दिमाग को बहुत ट्रेन किया हुआ है कि जो भी कुछ होना है वो होके रहता है। मैं बहुत बड़ा डेस्टिनी बिलीवर हूँ, अच्छा मैं ये मानता हूँ कि मैं अपना एफर्ट करूंगा, बाकी मेरी डेस्टिनी है मुझे कहाँ पहुंचा दे, या मुझे आसमान में पहुंचा दे या जमीन में गिरा दे, मैं अपना एफर्ट कर सकता हूँ, उसके अलावा मेरे हाथ में कुछ नहीं है। खुद को कैसे मोटिवेटेड मैम रखते हो? मैम अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो जाता है तो मैं दूसरी चीज में दिमाग लगाने लगता हूँ, कुछ पॉजिटिव चीजों में घुस जाता हूँ। मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, तो मैं दिल्ली आके 6 महीने बिल्डिंग बनाता हूँ, राइट, और हाँ थोड़ा आजकल स्पिरिचुअल भी हो गया हूँ, तो यू नो चैंटिंग कर लेता हूँ अच्छा और ये सब करता हूँ मैम। तो पर डिप्रेशन में कोशिश करता हूँ कि ना पहुंचूं उस स्टेज तक, क्योंकि सबकी लाइफ में इवेंट्स तो होते ही है ना, जी अच्छे बुरे, तो बराबर, पर लोग डिप्रेशन को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आज भी हम लोग अपने घर पे जाके बोलेंगे कि अरे मैं तो डिप्रेस्ड हूँ, तो पापा यही बोलेंगे दो जूते मारूंगा, डिप्रेस तेरे को पता है डिप्रेस होता क्या है, ये वो फलाना, यही होता है ना मैम, समझता कोई नहीं है, पर जो गुजर रहा होता है उसे पता होता है कि यार मैं किस स्टेज पे हूँ। मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूँ जो, जिनको है, मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है मैम, जिम जाके डोले फुलाने से कुछ नहीं होगा मैम, ये दिमाग की बराबर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। है। और हाल ही में आपके पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ उतार चढ़ाव आए हैं, उसके बारे में भी खबरें सामने आई थी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम बस ये कहना चाहूंगा कि जब भी कुछ अच्छा होता है तो खबरें क्यों नहीं छपती मेरे बारे में, और जब भी कुछ हल्का सा खराब होने लगता है तो खबरें छपने लगती हैं, समझ नहीं आता। कुछ अच्छा करने के लिए तो मैम पीआर करना पड़ता है, और कुछ जैसे ही कुछ बुरा हो जाता है मैम तो ये सब कुछ अपने आप होने लग जाता है। तो मैं थोड़ा इस इंडस्ट्री को ना अभी भी यू नो समझ नहीं पा रहा हूँ चक्कर क्या है, पर ये तो है ही। और मैम ये तो देखो फेमस होने का ये ड्रॉबैक तो है ही एक, कि दुनिया के ब्रेकअप होते हैं, हमारा होता है तो अखबार में आ जाता है, पर ये बराबर मैम हमने खुद ही तो चूज किया है ना, ये भी जी, किसी ने कहा तो नहीं था कि तुम जाके फेमस बन जो जाओ, दुनिया है, दुनिया घूम रही है यहाँ भी, कौन जानता है, हमने खुद चूज किया है कि हम अपने आप को जन्माएं, तो डेफिनेटली ये सब चीजें तो हमारे साथ होंगी। लेकिन पर ठीक है बंदगी ने चल रहा है, कहा था कि वो आपको बाद में भी सपोर्ट करेगी। अभी जैसे आपका एक नया प्रोडक्शन हाउस है, म्यूजिक वीडियो है, तो अभी भी वो आपको सपोर्ट करेगी या अभी फिलहाल चुप्पी ही है, क्या है? मैम वक्त वक्त बताएगा, मैं भी मैम बहुत कुछ बोलता हूँ पर जब यू नो टाइम आता है
तभी इंसान सपोर्ट करता है या नहीं करता। पर मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी गट फीलिंग है, कि वो मुझे डेफिनेटली हर जगह सपोर्ट करती। हमारा कोई बहुत बैड नोट पे ब्रेकअप तो हुआ नहीं है मैम, और वो बहुत बहुत अच्छी, बहुत बैलेंस्ड, बड़ी समझदार लड़की है तो, और सेल्फ मेड भी है मैम, सब कुछ खुद ही करा है उसने अपने लिए, तो मुझे लगता है कि सपोर्ट तो करेगी, और मैं भी करूंगा मैम जहां मौका मिलेगा। अगर उनको मेरी, वैसे तो वो बहुत खुद सेल्फ सफिशिएंट है मैम, उसको मेरी कोई जरूरत नहीं है, पर अगर भगवान ना करे कभी पड़ गई तो डेफिनेटली खड़ा हूं मैं। और अभी उनके बारे में बोलते हैं जो आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, राइट फ्रॉम बिग बॉस, आपके फैंस। तो आपके फैंस को आपको अभी क्या कहना है? 2.0 के रूप में आप फिर से सामने आ रहे हो, फैंस को क्या कहना चाहेंगे? मैम मैं बस फैंस को यही कहना चाहता हूँ कि बहुत सपोर्ट किया आपने मुझे। मैं एक ऐसा इंसान था जो बिग बॉस में एज अ कॉमनर गया था, आप लोगों ने मुझे सेलिब्रिटी बना के बाहर निकाला है। तो प्लीज जब मैं आप ही का हूँ तो यार ये म्यूजिक वीडियो देखो मेरा, और भी जो मैं प्रोड्यूस करूंगा चीजें वो भी देखो, उसमें मैं भी आऊंगा। एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग, कीप गिविंग मी योर लव। और वो नकली व्यूज और नकली लाइक्स और नकली कमेंट्स मैं कभी नहीं डालूंगा, तो प्लीज जितना हो सके ओरिजिनली आप मुझे सपोर्ट करें। मैं बड़ा ऑर्गेनिक बनना हूँ और चीजें ऑर्गेनिक ही रखना चाहता हूँ, नहीं तो आज अगर ऐसा करना होता तो मेरे भी 10 मिलियन फॉलोअर होते। 5 लाख रुपए लगते हैं बस 10 मिलियन फॉलोअर खरीदने में, जो बिल्कुल दुनिया करती है, पर मैं ऐसा नहीं करता। मेरे आज भी वही कोई 300-350 के फॉलोअर्स होंगे इंस्टाग्राम पे, और इतने ही फेसबुक वगैरह पे होंगे, तो ये मेरा ऑर्गेनिक लोग हैं जो मुझे दिल से पसंद करते हैं, वो बॉट्स नहीं है। तो बस मुझे सपोर्ट करते रहिए, एंड प्लीज मुझसे जैसा हो पाएगा मैं करूंगा। अच्छा काम बुरा काम, यार इंसान हूँ, गलती होगी, पसंदाज है ठीक है, नहीं आएगा तो गाली दे देना। हमेशा ऐसे ही जारी रखिए आप, और ऑल द थैंक वेरी बेस्ट एंड कीप यू सो मच रॉकिंग। मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, नाइस टॉकिंग टू यू मैम। थैंक यू।